हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना फेवरेट चैनल डर्मा साइंस में आप सबकी दोस्त डिंपल। गाइस, आज मैंने ये ड्रिंक बनाया है एंड ये ड्रिंक ना मतलब अल्टीमेट ड्रिंक होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ आपके एक्ने मार्क्स में हेल्प नहीं करने वाला, साथ ही साथ अगर आपके छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उसमें हेल्प करेगा, सन टैन में हेल्प करेगा, सन बर्न में हेल्प करेगा, पिगमेंटेशन में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। तो ये ड्रिंक बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, वीडियो एंड तक देखिएगा। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सिर्फ चार मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं एंड लास्ट पांचवा जो है वो पानी है। पानी अगर बेस काम करेगा, ये ड्रिंक हम पानी के साथ बनाने वाले हैं। चार ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका यूज करके आप अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, टॉक्सिन्स को क्लियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जब हमारी बॉडी में से गंदगी निकलती है तो हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हमारी हेल्थ खुद ब खुद बहुत अच्छी दिखने लग जाती है। तो हमेशा फिट रहने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटरनली स्ट्रॉन्ग अपनी बॉडी को बनाइए, जिसके लिए ही मैं ये ड्रिंक लेके आई हूँ। कोई क्रीम नहीं है, मतलब कुछ भी हमें क्रीम व्रीम आज नहीं लगानी, आज कोई DIY हम क्रीम वाला नहीं करने वाले, कोई पैक नहीं लगाएंगे, हम ये ड्रिंक पियेंगे ताकि हम अंदर से अच्छा बने, हमारी बॉडी अच्छी मतलब टॉक्सिन्स क्लियर हो और बाहर से हमें ग्लो ग्लो अच्छा वाला दिखे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे ऐसे ही आपको ब्यूटी DIYs हेल्थ की वीडियोस मिलती रहती हैं तो प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए या फिर मेरे चैनल का पार्ट बनने के लिए, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी वीडियो आप मेरी फॉलो करते हो, अच्छी लगती है, कोई अपना रिव्यू देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊं तो उस चीज में मैं क्लैरिटी ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं ये ड्रिंक बनाने की तरफ। तब तक मैं ड्रिंक कंप्लीट कर लेती हूँ, आप देख लो बनाना कैसे। मैं यहाँ पे चार इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लूँगी। पहले ही सबसे पहले एक चम्मच फ्लेक्स सीड्स, एक चम्मच सौंफ का मैंने लिया है, 1/4 teaspoon हमने अजवाइन लिया है और लास्ट में एक इलायची लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के बाद, और यहाँ पे साथ में मैं ले रही हूँ एक ग्लास पानी जो कि एक बेस का काम करेगा। सबसे पहले मैं इस पानी को पैन में गर्म कर लूँगी, अच्छे से तेज करके इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल होने के बाद मैं इस फ्लेम को जो है कम कर दूँगी। जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल लो फ्लेम पे होगा, फ्लेम हम तेज़ नहीं करेंगे। ये चारों इंग्रेडिएंट्स हम इस उबलते हुए पानी में ऐड कर देते हैं। फ्लैक्स सीड्स आप जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती है, एक्ने, पिगमेंटेशन, इन सबको ये रिमूव करता है। बस आपको ये करना है कि जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती आपको इसको रेगुलर लेना है, बीच में छोड़ना नहीं है। जैसे कि जब तक हमें तबीयत ख़राब होती है हम दवाई लेते हैं, वैसे ही आपको दवाई की तरह इसे लेना है रेगुलरली। मीडियम फ्लेम पे ही रखने के बाद, अब मैंने 5 मिनट इसको रखा था, ये हो चुका है, मैं इसे छान लेती हूँ। आप देख सकते हैं फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा लिस्सा लिस्सा हो जाता है, इसमें जेल होता है क्योंकि, बट अभी हम इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ साइड में और आप देख सकते हो मेरा एक ग्लास जो ड्रिंक है स्किन वाइटनिंग का या फिर जो भी हमारी स्किन की प्रॉब्लम के लिए, वो रेडी है। तो ये ड्रिंक आप ज़रूर पीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको कैसे इफ़ेक्ट्स मिले।